प्रणाम स्वीकार करो। मैं अमर सिंह जोधपुर राजस्थान से इस कंपनी को प्रमोट करने का काम कर रहा हूं। हमारा जो आज ये जो उद्घाटन समारोह में जितने भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं, और आज इस समय आपका जो टाइम लेना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि आपका एक एक मिनट अभी कीमती है। तो हमने जल्दी में ये रिबन सेलिब्रेशन करवा के और यही चाहा कि इस प्रोग्राम को जितना जल्दी हो सके फ्री करें। तो हमने जितनी भी कोशिश की, साहब कोई भी अगर कमी रह गई स्वागत में तो बच्चे समझ के हमारे को माफ़ करना, लेकिन अभी आपके जो चुनावी टाइम है तो हम आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे मोतियों से भी महंगे हैं, आप मेहमान हैं हमारे, और आप साहब और इस परिवार से आपका जो मिलन है, आपका जो आपसी रिश्ता है, बात प्रदान किया आपने, मेहमान है जो आप समय निकाल के आज हमारे बीच में आए। तो मैं चाहता हूं हम सब एक बार अपने लिए तालियों से स्वागत करें, और इस स्वागत की कड़ी में अगर किसी प्रकार की कोई छूट रह गई है, अगर कोई हमारे गेस्ट आए तो आज की जल्दीबाजी में, क्योंकि ये जो कल जो टाइमिंग था मेरा भी, तो मेरा जैसलमेर का था, लेकिन मैंने कहा मैं दो दिन पहले आके तैयारी करवा दूंगा। फिर ये टाइम हमने रखा 4 बजे का, लेकिन सब लोगों की उपस्थिति अच्छे से हो जाए तो इसको 11:30 बजे किया। तो जो टेंट वाले हैं उन्होंने भी सुबह जल्दी आके इसको पूरा सिस्टम किया, तो ये सारी व्यवस्था एक जल्दीबाजी के अंदर हुई है। तो इस जल्दीबाजी में होने के कारण अगर किसी प्रकार स्वागत में कोई छूट हो जाती है या कोई सेवा में कोई छूट हो जाती है तो इस पूरे परिवार से मैं आपके लिए तैयार हूँ, और आपको भी आशीर्वाद के रूप में देना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेके हम बातचीत करेंगे। हमारे पास में हम किस प्रकार, आप देखो दुकानें तो खूब खुली होगी रामसर में, लेकिन आज आप सब उद्घाटन के मौके पर आए हैं, लेकिन आज आप यहाँ ग्राहक नहीं हैं। ये जो मार्ट खुला है, ये मैंने अभी नेताजी से भी बात हो रही थी साहब से, तो मैंने इन्होंने पूछा साहब ने कि ये है क्या। मैंने कहा साहब अभी थोड़ा ट्रेड चेंज हो गया, हमने ग्राहक को ही हमारा पार्टनर बना लिया। ये जो दुकान है इस पे जो ग्राहक आएंगे वो उन दुकानदार के ग्राहक, जो दुकानदार है, जो ग्राहक है वही हमारे दुकानदार, यानी ये जितना भी टर्नओवर करेगी यहाँ से जुड़े हुए सारे ग्राहकों को उसका कुछ ना कुछ मार्जिन जाएगा, और वो सिर्फ राम